हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिलीज ड्रामा की। आप तो जानते हैं हिंदी फिल्मों की रिलीज प्लान करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने हमारे चैनल कोमल नाहटा ऑफिशियल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कीजिए। दोस्तों, आप जानते हैं 30 अगस्त को दो फिल्में रिलीज होने वाली थी, साहो और छिछोरे, लेकिन ऑब्वियसली दोनों फिल्में साथ में न आए, इसलिए साजिद नडियाडवाला ने अपनी फिल्म को एक हफ्ते आगे बढ़ा दिया। कहने का मतलब है कि छिछोरे 30 अगस्त की जगह अब 6 सितंबर को आएगी। लेकिन कहानी उधर ही खत्म नहीं होती है, क्योंकि छिछोरे इतनी एक्साइटिंग फिल्म है, क्योंकि छिछोरे स्टार्स सुशांत सिंह राजपूत एंड श्रद्धा कपूर, क्योंकि छिछोरे इज डायरेक्टेड बाय नितेश तिवारी, वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि छिछोरे इज प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला, जिनका गोल्डन रन चल रहा है बॉक्स ऑफिस पर, इसलिए कमांडो 3 जो भी 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी वो अब आगे चली गई है, यानी पोस्टपोन कर दी गई है। यहां पर जानना जरूरी है कि कमांडो 3 की रिलीज डेट 6 सितंबर कई महीनों पहले अनाउंस हो गई थी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है कि आपने पहले रिजर्वेशन कर लिया या बुकिंग कर ली तो अब आप आगे नहीं हटेंगे। नहीं, अगर कोई बड़ी फिल्म आपके सामने आती है तो आपको आगे बढ़ना पड़ता है, यानी आपको उस रिलीज डेट से हटकर कोई और रिलीज डेट चुननी पड़ती है। जैसे ही साजिद नडियाडवाला ने यह ऐलान किया कि वो अपनी छिछोरे को 30 अगस्त की जगह 6 सितंबर को रिलीज करेंगे, विपुल शाह ने यह ऐलान कर दिया कि वो अपनी कमांडो 3 को आगे लेकर जा रहे हैं। अब कमांडो 3 के लिए उलझन ये है कि वो कब आए। उलझन 11 अक्टूबर और 18 अक्टूबर के बीच है। 11 अक्टूबर और 18 अक्टूबर के बीच क्यों है? क्योंकि 2 अक्टूबर को वॉर फिल्म रिलीज हो रही है, एंड वॉर स्टारिंग ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ, प्रोड्यूस्ड बाय यशराज फिल्म्स। ऑब्वियसली कोई उस फिल्म के सामने नहीं आना चाहेगा। आपको पता है कमांडो 3 स्टार्स विद्युत जम्वाल, और वो सबसे एक्साइटिंग बात कमांडो 3 की ये है कि इट इज द 3rd इन द सीरीज। कमांडो एंड कमांडो 2 रिलीज हो चुकी है और इसलिए देयर इज अ लॉयल फैन बेस, लेकिन ऑब्वियसली दे कैन नॉट कम्पीट विद ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ टुगेदर, इसलिए 2 अक्टूबर की डेट तो नामुमकिन है कमांडो 3 के लिए। अब आप कहेंगे दिवाली पर क्यों नहीं आ जाती है कमांडो 3। दिवाली पर इसलिए नहीं आ सकते हैं क्योंकि हाउसफुल 4 की डेट, रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है, एंड दैट इज ऑन दिवाली 25th अक्टूबर। जाहिर सी बात है प्रोड्यूसर विपुल शाह दिवाली पर मल्टी स्टार कास्ट हाउसफुल 4 के सामने वो अपनी सोलो स्टारर कमांडो 3 रिलीज नहीं करेंगे, ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकते वो। एक और वजह है कमांडो 3 दिवाली पर नहीं आ सकती है, क्योंकि लोगों का ये सोचना है, कहना है कि दिवाली पर 2 फिल्मों का स्पेस रहता है, क्योंकि फेस्टिव ओकेजन है, लोगों के पास स्पेंडिंग पावर होता है, लोगों के ऑफिस में बोनस बढ़ चुका होता है, तो 2 फिल्में दिवाली पर आ सकती है, अक्सर ज्यादातर 2 फिल्में आती हैं दिवाली पर। लेकिन यहां पर कमांडो 3 का आना नामुमकिन है, बिकॉज कमांडो 3 इज प्रेजेंटेड बाय रिलायंस एंटरटेनमेंट, एंड रिलायंस एंटरटेनमेंट की ही सांड की आंख दिवाली पर रिलीज हो रही है, यानी दिवाली पर, इस दिवाली पर 25th अक्टूबर को हाउसफुल 4 एंड सांड की आंख फिल्म भी रिलीज है। ऑब्वियसली रिलायंस एंटरटेनमेंट अपनी ही 2 फिल्में एक साथ नहीं लेकर आएगा, कोई भी प्रोडक्शन हाउस वो गलती नहीं करेगा, और इसलिए विपुल शाह के पास, विपुल शाह एंड रिलायंस एंटरटेनमेंट के पास केवल 2 डेट्स बचती हैं, वो है 11th अक्टूबर एंड 18th अक्टूबर। 11th अक्टूबर का फियर ये है कि वॉर ताजा ताजा रिलीज हो चुकी होगी, ऑफकोर्स 9 दिनों का फासला है, बिकॉज वॉर इज नॉट कमिंग ऑन अ फ्राइडे, इट्स कमिंग ऑन अ ऑड डे टू टेक एडवांटेज ऑफ द 2nd अक्टूबर हॉलीडे। तो भी वॉर के तुरंत बाद कमांडो 3 अगर आती है, और वॉर अगर बहुत टेरिफिक जाती है तो कमांडो 3 के लिए थोड़ा खतरा हो सकता है। और 18th अक्टूबर वाली डेट इसलिए खतरनाक है क्योंकि वो वीक जो है वो प्री दिवाली वीक माना जाता है, एंड आप शायद जानते हैं या नहीं जानते हैं, बता दूं आपको कि प्री दिवाली वाला वीक बॉक्स ऑफिस के लिए बहुत ही कमजोर साबित होता है, क्योंकि प्री दिवाली डेज में हिंदू हाउसहोल्ड्स में तैयारियां होती है दिवाली की, शॉपिंग के लिए लोग जाते हैं, पटाखे खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, मिठाइयां घरों में बनती है, स्प्रिंग क्लीनिंग चलती है, घरों की झाड़पूछ होती है, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शंस एकदम गिर जाते हैं। सो प्रोबेबली द ऑप्शन
फॉर विपुल शाह इज लाइक चूजिंग बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, लेकिन ऐसा ही चलेगा और ऐसा ही चलता आ रहा है क्योंकि इतनी सारी फिल्में बनती है। तो अब कमांडो 3 11 अक्टूबर को आती है या 18 अक्टूबर को, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे, लेकिन टिल देन विपुल शाह इज एक्चुअली अंडर टेंशन। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अबाउट द रिलीज रिगमरोल कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स जरूर पोस्ट कीजिए, कोई और सजेशंस हो तो वो भी हमें बताइए कमेंट सेक्शन द्वारा। थैंक यू, शुक्रिया।